राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम नेहा श्री किशन्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पगड़ी। ये पगड़ी सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो गई है और हमें इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ नेट का कपड़ा और ये बेस के लिए कार्ड, जो कार्ड वगैरह होते हैं, शादी कार्ड आते हैं, उसी की एक पतली सी पट्टी हमें चाहिए। बस इन 2 आइटम से ये पगड़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और इस पगड़ी को बनाने में ना ही हमें ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सुई धागे की। ये बिल्कुल सिंपल है, मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। आप चाहें तो ऐसे सिंपल बनाइए, और अगर आपको फैंसी बनानी है, थोड़ी डेकोरेट करनी है, तो आप इस तरह से भी इस पगड़ी को बना सकते हैं। और एक मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। ये चलिए इस पगड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी आने वाली सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू। देखिए, इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें इस तरह के कार्ड की ज़रूरत है। ये कार्ड जो शादी वगैरह में कार्ड्स आते हैं, उसी का ये मैंने एक पीस काट लिया है, उसी की हम ये पगड़ी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इसका 1 इंच की पट्टी काटनी है। इस तरह से पट्टी काटने के बाद हमें जितनी बड़ी पगड़ी बनानी है, उतनी बड़ी हम ये पट्टी काट लेंगे। मैं 6 नंबर की पगड़ी बना रही हूँ, तो 6 नंबर के लिए हमें 5.5 इंच लंबी चाहिए, तो 5.5 की जगह हम 6 इंच लेंगे, ताकि हमें इसको फोल्ड करना है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर में से डबल करना है। ऐसे डबल करके हम अच्छे से इसको दबा लेंगे इस तरह से, और हमें इसको इस तरह से गोल करके यहाँ पर इसको चिपकाना है। चाहे आप चिपका लीजिए, या फिर आप इसको स्टेपलर भी कर सकते हैं, स्टेपलर से, या फिर ग्लू गन से, या फेविकॉल से इसको यहाँ पर चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्टेपलर से जोड़ रही हूँ। इस तरह से हमारा ये सर्किल बन के तैयार हो गया है, बहुत ही आराम से बन गया है ये। अब हमें इसे इस पर पट्टियाँ लगानी है। देखिए, पट्टियों के लिए देखिए मैंने इस तरह की ये कलरफुल नेट की पट्टियाँ ली हैं, जिनकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है लगभग 15 इंच। लंबाई आप कुछ ज़्यादा ही रखिए, कम मत रखिए, जो भी एक्स्ट्रा होगी वो ऊपर से कट जाएगी। आप ये पट्टियाँ चाहे आप इस तरह से कलरफुल ले सकते हैं, चाहे तो 2 कलर से बना सकते हैं, या फिर 1 कलर से भी आप ये पगड़ी बना सकते हैं आराम से। मैंने ये 6 कलर्स लिए हैं, इन 6 कलर्स में ये पगड़ी बनाऊंगी। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना ये बेस लेना है और एक कलर लेना है, एक सिक्वेंस से हमें लगाना है कलर्स। जैसे हमने येलो कलर लिया, इसको हमें इस तरह से करना है, थोड़ा सा अमेटना है, हमें मोड़ना नहीं है, सिर्फ इसको इस तरह से टाइट करना है। इस तरह से करने के बाद हमें इस तरह से डबल करना है, और डबल करके हमें इस तरह से यहाँ से इस पट्टी को निकालना है, इस तरह से लाके इसके बीच में से हमें इसको निकालना है। इस तरह से और खींचना है टाइट से हमें। देखिए, इस तरह से। देखिए, पट्टियाँ जब ये आप काटें, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये पट्टियाँ आपकी सीधी होनी चाहिए, सीधे कपड़े से कटी होनी चाहिए, बेड़े कपड़े से कटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, नेट है, ये इसमें जो ये किनारी होती है ये सीधी होती है, और ये बेड़ा कपड़ा होता है। तो हमें जो भी पट्टी काटनी है वो सीधी काटनी है, क्योंकि ऐसे जब हम खींचेंगे तो ये कपड़ा खींचता है, और ऐसे ये नहीं खींचेगा। तो अगर हम इस समय जब ये खींचेंगे, तो अगर हमारा बेड़ा कपड़ा होगा तो ये नेट सब खींच जाएगी हमारी, इसलिए हमें सीधी पट्टियाँ ही काटनी है। हमें येल्लो कलर लगाया, अब येल्लो के बाद हम लगाएंगे रेड कलर। तो रेड कलर को भी हम इस तरह से कर लेंगे। और फिर डबल करके फिर इसके बराबर में रख के
तरह से इसमें से निकाल लेंगे और फिर इस तरह से हम इसका टाइट कर लेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा और बहुत जल्दी। देखिए इस तरह से हमारी ये दो कलर की पट्टियाँ लग गई हैं। देखिए इसी तरह से हम बाकी सारे कलर्स की पट्टियाँ जो है वो भी लगा लेंगे एक सीक्वेंस में, कलर के सीक्वेंस में। जैसे हमने जिस तरह से एक सीक्वेंस लगाया उसी तरह से हमें आगे सीक्वेंस में लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये साड़ी बना ली है। इस तरह से आया हमारी सारी गांठ जितनी भी हमारे यहाँ पर ऊपर आनी है ये इस तरह से। अब हमें इन सब जितने भी नेट है इसको हमें इकट्ठा करके इस तरह से इधर ले जाना है। इस तरह से निकालने के बाद हमें जो कलर जहां आ रहा है वहां पर हमें इसको खींचना है उसी सीक्वेंस में। जैसे ये रेड कलर यहां आ रहा है तो इस रेड कलर को इसी के सामने लाकर हमें रखना है इस तरह से। इसके बराबर में येलो कलर है, येलो कलर को हमें इस तरह से खींचना है। इस तरह से हमें हर कलर को एडजस्ट करना है। ध्यान रहे ये गांठ जो हमारी है वो यहीं रहनी चाहिए, वो हमारी अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे ये हमारी ये अंदर आ गई है, इसको हमें गांठ को हमें यहीं रखना है। देखिए सब खींच कर है ये, इधर से हमारा ये ऐसे आया है ये इस तरह से। और यहाँ हमारी सारी कलर्स के आगे ही उसके कलर्स आ रहे हैं। इस तरह से हमें इसको सेट करना है। फिर सेट करने के बाद हमें कि इस तरह से अच्छे से कुछ सेंटर से पकड़ के हम मैचिंग का कोई भी धागा लेंगे, उसको डबल करके हम यहाँ पर टाइट से बांध देंगे। जितना भी ऊंचा आपको रखना है उतना ऊंचा करके और फिर यहाँ हम इसको गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पगड़ी आई है। अभी हमें जितना ऊंचा यहाँ पर छोड़ना है उतना ऊंचा हम रख के बाकी यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ही। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये नीचे बैठा जा रहा है इसके लिए हमें क्या करना है, छोटा सा उसी कार्डबोर्ड का सर्कल बनाकर जो हमारा अंदर आ जाए उसको यहाँ पर हमें सेट करना है। देखिए उसी एक इंच कार्डबोर्ड को मैं ये डबल कर लिया है। डबल करने के बाद हम एक इसके हिसाब से एक सर्कल बनाएंगे। स्टेपलर कर दिया है, हम देखेंगे हमारा कि सर्किल इसमें फिट हो रहा है या नहीं। इस तरह से हम देखिए ये सर्किल हमारा इसमें आराम से ये इस तरह से फिट हो गया। फिट होने पर देखिए यहाँ से हमारा थोड़ा सा उभरा उभरा सा आ गया, इससे हमारे लुक पगड़ी का और अच्छा आएगा। इतना तैयार हो गया। अब हमें बस इसको डेकोरेट करना है। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको लगाना है डेकोरेट करना है तो आप यहाँ पर नग वगैरह मोती बूटी कुछ भी यहाँ पर लगाकर आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस मैंने यहाँ पर ये कलरफुल नग लगा दिए हैं
और यहाँ मोती की एक लाइन लगा दी है, और इस तरह की मेरे पास एक बूटी रखी थी वो मैंने यहाँ लगा दी है। इस तरह से आप किसी तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सिंपल भी और जितनी हैवी चाहे उतनी हैवी। अगर आपको भी ये बंगली पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।